इसका जो ये खाली ये जाएगा अंदर बस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब एक मिनट सुनना। क्या हुआ? यहाँ पे एक लाइट थी, ठीक है, तो ये वाली लाइट ना मेरी खराब हो गई, तो इसे आप ठीक कर दोगे? हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, करानी के हो गए काम शुरू। सुनो तो सही पूरी बात। बताओ। तो ये वाली लाइट लगी हुई थी यहाँ पे, तो अब ये ना चल नहीं रही, मतलब खराब हो गया, वो निकल भी गई थी, तो एक बार आप उसे देख लो फिर। लाइट है तुम्हारे पास? हाँ लाइट तो है मेरे पास, तो गाइस ड्रेसिंग के टेबल के ऊपर एक लाइट रहती है, वो खराब हो गई है। इसके पीछे की पिन तो टूटी हुई है, इसीलिए शायद ये चल नहीं रही है। ये कैसे मिलेगी भाई? ये तो मॉडल भी कुछ अलग सा है, इतना पुराना भी नहीं है। तो गाइस मुझे ना एक इस तरह का लैंप चाहिएगा, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ मिलेगा। इसके पीछे की पिन भी टूटी हुई है। ये शॉप पे पता कर लेना ना एक बार, आप इलेक्ट्रिकल शॉप पे मिल जाएगी। चलो देखता हूँ इसको कहीं मिल पाती है तो ना। आपकी इंजीनियरिंग किस काम आएगी? हाँ यही काम रह गया मेरी इंजीनियरिंग का। अगर ये नहीं मिलता तो कुछ जुगाड़ उठा लेना फिर, ऐसा कुछ भी मतलब लाइट चाहिए बेसिकली। चलो देखता हूँ गाइस, अगर ये मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कुछ और उजाले का जुगाड़ करेंगे। यहाँ पर ये लगी होती है और ये खराब हो गई है। बाकी आज का काम तो आपको पता ही चल गया होगा मेरा, है ना? ये इसका फ्रेम भी है। अच्छा ये फ्रेम है, तो इसी में क्लोज आप कभी गिर जाए कहीं पे, इसी में रख के दे देंगे। तो ठीक है गाइज इसको लेकर आते हैं। तो गाइज अब मैं रेडी हो जाता हूँ और सबसे पहले इस लाइट का जुगाड़ करके लाता हूँ। तो अभी से ही सुबह सुबह इतनी ज्यादा धूप शुरू हो जाती है, तो एक बार में सारा सामान लाना ठीक रहता है। तो गाइस पहले मैं इस पूरे को ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसका जो साइज है ना उसका मुझे डाउट है, तो मैं इसको निकाल कर ही ले जाता हूँ। तो गाइस मैंने तो ये निकाल लिया यहाँ से ना, और इसको ले जाता हूँ। इस साइज का एक ना लाइट आती है, कंसील्ड लाइट कहते हैं उसे, तो अगर वो मुझे इसी साइज की मिल गई तो सीधा सीधा इस तरह के उसमें वो भी होते हैं फिक्स करने के लिए, सीधा यहाँ पर वो इस तरह से फिट हो जाएगी। तो ठीक है ना? ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो गाइस फिर मार्केट चलते हैं और ये लाइट ढूंढ के लेके आते हैं। मैं अभी मार्केट आई थी क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे दो तीन कुर्तीज थी, तो वो मुझे ऑल्टर करानी थी, तो मैं अभी टेलर के पास जा रही हूँ और फिर उससे एक बारी ऑल्टर के लिए देख के आती हूँ। उस दिन तो मैं लेके नहीं आ पाई, तो मैं आ जाई हूँ। ठीक है एक और भी कराना था, वो भी ले आई हूँ। तो गाइस सूट तो मैंने दे दिया ऑल्टर करने के लिए, तो वो अभी थोड़ी देर में करेगा, तो वो तो या तो मुझे कल देगा या तो फिर शाम को देगा। तो अब हम जाते हैं लाइट लेने के लिए। सूट तो मैं दे आई हूँ और फिर वो देगा या तो शाम को कह रहा है या तो फिर कल सुबह की कह रहा है। आते समय नहीं ले जा सकते? हाँ तब वो देख लेंगे एक बार बात करनी, क्योंकि वो कह रहा है कि अभी मेरे को लंच करना है, तो उसके बाद मैं देखता हूँ, तो एक बार मैं बात कर लूंगी इसे। ठीक है चलो ठीक है। भैया इस साइज की कंसील्ड है आपके पास? इसके आगे का जो गोल है ना ये तो निकल जाएगा, ये वाला ये जाएगा अंदर बस, ढक्कन ये इतना पोर्शन बाहर रहेगा, ऐसे रहेगा ये नीचे इतना पोर्शन बाहर रहेगा ये वाला। तो गाइस काफी घूमने के बाद हमें ये कंसील्ड लाइट मिल गई है। एक्चुअली ये इसका साइज का डिफरेंस हो रहा था जिसका मुझे पहले से ही डर था, अब ये मैंने देख लिया कि ये इसके अंदर चला जाता है तो ये हमारे उस ड्रेसिंग टेबल में भी आ जाएगी। पर एग्जैक्टली वो जो बल्ब था वो तो इसका नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो इससे काम बढ़िया चल जाएगा, इन्हें उजाला भी मिल जाएगा और ये और गोरे लग जाएंगे थोड़े से। अरे तुम मटके के कह रहे थे, मटके तो यहाँ मिल रहे हैं काफी ना? हाँ यार मटके तो मुझे चाहिए घर के लिए, मुझे लेने तो थे। तो गाइज हमारा एक पोपट बन गया यहाँ पर, हमारे पास कैश ही नहीं है और ये लोग कैश लेते हैं। हम कह रहे हम ऑनलाइन कर देते हैं, तो वो कह रहे नहीं हमें कैश ही चाहिए। अब कैसे खरीदोगे मटका? भाई सोच रही हूँ क्या है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए बचे हैं कैश के ना, क्योंकि बाकी सब ले लिया। तो चलो देखते हैं फिर, मैं बाद में लाऊंगा या फिर देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इसको चेक कर देखते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम अगर आप लाएं तो उसे फिटिंग से पहले ही चेक कर लें, वरना बाद में बड़ी दिक्कत आती है अगर वो नहीं चलेगा तो। ये सही है, अब इसको हम ड्रेसिंग टेबल पर लगाते हैं। तो अभी गाइस हम इसकी सबसे पहले इसकी क्लिप को यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको मैं लगा देता हूँ इसमें। इसमें स्प्रिंग है, ये अपने आप लॉक कर लेगी। तो देखिए गाइस ये तो बहुत बढ़िया फिट हो गया, सही फिट हो गया ना?
अब इसको हम पीछे से वायर के साथ कनेक्ट करके सप्लाई दे देते हैं। मुझे टेप देना। अच्छे से टेप कर देना उसे ना। टेप तो हो गया, एक बार सप्लाई ऑन कर दो। अरे वाह, तो देखा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने का फायदा। तो गाइस लाइट तो इन्होंने ठीक कर दी है और चलो ये कुछ काम तो आए। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है, मैं थोड़ी देर सो गया था। एक्चुअली सुबह से ही ना सर में दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर मैं इसलिए लेट गया। अभी थोड़ा थोड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर घूम के आता हूँ। वैसे भी मौसम काफ़ी ठीक हो रहा है तो थोड़ा सा इवनिंग वॉक करके आता हूँ, तो उससे थोड़ा सा और बेटर लगेगा। तो गाइस घूमना तो कैंसिल हो गया, अब हम खेलने आए हैं स्क्वैश। तो गाइस मैच ओवर हो गया और आज का गेम मैं जीता। तो गाइस आज तो मजा ही आ गया स्क्वैश खेलने में, मैंने इनको हराया 1-0 से। नहीं जी, कोई जरूरत मेरे को नहीं हराया, मैं जीती थी, मैंने ज्यादा पॉइंट्स बनाए थे। तुमने ज्यादा बनाए थे? यस। तुमसे वो जो लाइन होती है ना रेड लाइन, उससे तो ऊपर तो बॉल जा नहीं रही है, ज्यादा क्या बना लोगे? मैंने पता क्या करा था, मैं छत में मारा था। छत में मारा इन्होंने, एक और बॉल निकाल ली उसमें से। तो देखो ना, मैंने एक की दो बॉल बना दी ना। दो बॉल नीचे गिरी, एक तो अपनी गिरी और एक और गिरी। और पता है उससे पहले ना हम बॉल ढूंढ रहे थे, तो हमें बॉल तो कहीं पे मिली नहीं थी। तो फिर वहाँ पे एक मतलब एक बच्चा था, तो उसने बोला कि मेरी पर्सनल बॉल है तो वो मुझे दे दो, मैं वो मतलब उससे आप खेल लो तो, और फिर बाद में मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। अब हम जब वहाँ पे मार रहे थे, तो जब मैंने ऐसे छत पे मारा तो एक की दो बॉल निकली। स्क्वैश में तो पता नहीं, पर मैं बैडमिंटन में अपने टाइम का काफ़ी अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। हमारी टीम बैडमिंटन की गोल्ड मेडल जीत चुकी है कॉलेज में लगातार 2 साल। गाइज इनको मैंने सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल भी दिखाए। हाँ, ये तो है। गोल्ड मेडल थोड़े से कलर उनका फेड हो गया है। वो नकली गोल्ड था। गोल्ड गोल्ड होता है नकली, इसलिए क्या होता है। तो गाइज देखो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मेडल था और मुझे वो काफी मेहनत से मिला। बैडमिंटन मैंने भी खेला, पर मैं स्कूल में तो नहीं, मैंने घर में बहुत बैडमिंटन खेला है, बट स्क्वैश में तो मैं जीती। चाहे आप कुछ भी कितनी बातें बताओ, दोबारा खेलेंगे और जो जीतेगा फिर सोच दोबारा खेलेंगे और इस बार शर्त के साथ खेलेंगे, और जो शर्त जीतेगा उसको मिलेगी पार्टी। तो गाइज अभी के लिए करते हैं इस व्लॉग का एंड, और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।